ज़हीन बहुत मुहज़्ज़ब, लेकिन जैसे ला मज़हब थे, नौजवान थे, और मैंने मतलब इतने ज़हीन नौजवान बहुत ही कम देखे और इतने पढ़े लिखे। उनसे कुछ मौजूआत पे बात हुई तो उसमें एक था रैशनलाइजेशन ऑफ गॉड, कि अल्लाह को अक्ल के लिए अक्ल ही के दलाइल से, अक्ल ही की बनाई हुई मंतिक के मुताबिक साबित करना। रैशनलाइजेशन इसी को कहते हैं ना, कि किसी मौजूद को या किसी तसव्वुर को अक्ल के अक्ल के अपने बनाए हुए कवानीन पर पूरा उतरते हुए दिखाना। तो मैंने उनसे कहा कि रैशनलाइजेशन एक बहुत कहीं जहाँ ज़रूरी है वहाँ ज़रूरी है, लेकिन कुछ मामलात में ये एक फरेब है, ये एक फ्रॉड है। तो क्योंकि अगर रैशनलाइजेशन ऑफ रियलिटी यानी हकीकत को माकूल बनाने का अमल खुद अपनी जगह काबिले एतबार और लायक एतमाद होता, तो हकीकत के हवाले से अक्ल के मौक़िफ में तब्दीली ना आती। तब्दीली आने का मतलब ये है कि हाँ से ना में चले जाना। तो ये तो हो सकता है कि तब्दीली में हकीकत को बतौर कुल रैशनलाइज कर लिया गया, अक्ल के लिए काबिल कबूल या लायक तस्लीम बना दिया गया, अब वो हकीकत एक माने हुए तसव्वुर के तौर पर अक्ल की मिल्कियत में जब आती है, तो फिर वो हकीकत के जो अक्ली रैशनलाइज्ड अज्ज़ा होते हैं उनमें वो उस कुल पर एतिकाद और एतमाद और तस्लीम रखते हुए अपने मानने और कबूल करने के बाज़ असालीब बदलती रहती है, या यूँ कह लें कि हकीकत बतौर कुल तस्लीम हो गया, रैशनलाइज हो गया, लेकिन ये कि अपने रैशनलाइज होने के बाद भी इस कुल के अज्ज़ा और उन अज्ज़ा की तरतीब या उन अज्ज़ा के तालमेल पर अक्ल अपना मौक़िफ़ बदलती रहे, या दो हकीक़त को तस्लीम कर लेने वाली अक्लों में फ़र्क रह जाए, अंदाज़े तस्लीम में, उसकी तफसील में, उसके उसलूब इदराक में और उसके बयान में। ठीक है ना, क्योंकि अक्ल के पास जैसे मोटर कार होती है ना, कि इसमें एक स्पेयर व्हील भी होता है, तो अक्ल के पास कई स्पेयर व्हील्स होते हैं। वो अक्लें भी जो ए को अलिफ को मानती हैं, तो उसको मानने के दलाइल पर उनका मुश्तरक और मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी तो ज़्यादा सख्त लफ्ज़ है, मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अक्ल के पास दलाइल का एक गोदाम होता है और वो उसमें उस गोदाम में से कुछ चीज़ें बाहर फेंकती रहती है, कुछ चीज़ें दोबारा यानी कुछ चीज़ें दाखिल करती रहती है। तो अक्ल का मिजाज इस्तेदलाल, निज़ाम इस्तेदलाल, वो इल्म की तरक्की, माहौल की तब्दीली वग़ैरह से बदलता रहता है। लेकिन इस बात को अगर हम इस तरह कहें कि हकीकत अक्ल का मदलूल है,
मदलूल कहते हैं कि अक्ल ने अपने ही बनाए हुए निज़ाम इस्तेदलाल की पाबंदी करते हुए हकीकत को कबूल कर लिया, हकीकत को मान लिया। तो इस मानी हुई हकीकत की अक्ली रसाई यानी इस इस्तेदलाल का अंदाज़ बदलता रहता है। तो मदलूल साबित है, कायम है और अक्ल में महफूज है, लेकिन ये कि वो अक्ल उसके लिए बार बार पुराने इस्तेदलाल को रद्द करके नया इस्तेदलाल बनाती रहती है, या ये कि कोई अक्ल जो है वो किसी और इस्तेदलाल से उस मदलूल तक पहुंचती है, दूसरी अक्ल किसी और मंतिक से उस मदलूल को बतौर कुल तस्लीम करती है। तो ये तो ठीक है, ये अक्ल की खिलकत में दाखिल है। तो मिसाल के तौर पे अक्ल के जो मुसल्लमात हैं यानी तस्लीम किए हुए, तो तस्लीम किए हुए हकायक, तो उनमें मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ, गो कि ये बहुत टेक्निकल मिसाल नहीं है, मैं समझाने के लिए है कि अक्ल वजूद को इतनी शिद्दत से मानती है कि गोया उसे जानती भी है। ठीक है, एक अंदाज़े ताक़ुल होता है कि अक्ल में अक्ल उस हकीकत के बारे में ऐसी अटल तस्लीम का रवैया रखती है कि उस रवैये से ख़ुद इसको ये महसूस होता है कि मैं इसे जानती भी हूँ, लेकिन अगर इससे कहा जाए कि इसको अपने ही बनाए हुए मेयारते इल्म पे पूरा उतार के दिखाओ तो वो आजिज़ रह जाती है। ठीक है ना, तो उसमें से मिसाल तौर पर एक मुसल्लमा वजूद है, तो वजूद के बारे में अक्ल इस हाल में रहती है कि ये जैसे इसे जानती है, इसका इल्म रखती है, लेकिन ये जिन शरायत और जिस फ़ज़ा में वजूद को एक हकीकत मुस्तकिला के तौर पर कबूल किए हुए है, उन्हीं शरायत को अगर लॉजिक में लॉजिक के सपुर्द कर दिया जाए या उन्हीं शरायत को मलहूज रखते हुए अक्ल से ये मुतालिबा कर दिया जाए के वजूद के इल्म के इस हाल को इल्म की उस तारीफ के मुताबिक क्लिनिकली साबित करो जिस तारीफ को पूरा करके तुम चीज़ों को जानने का तजर्बा, आदत या मिजाज या रिवायत रखती हो, तो अक्ल अपने इस तरह के मुसल्लमात को इल्म के उन मेयारात पर, मतलब उन कसौटियों पर कसने के लायक नहीं है। तो इस पस मंज़र में एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर अक्ल अपनी, मतलब अपनी काबिल इदराक हैयत में, अपनी मालूम फितरत में कुछ ऐसे अटल मुसल्लमात रखती है जिनका इल्म महाल हो जाने के बावजूद वो उन पर सवाल नहीं उठाती, उनके साथ तशकीक का रवैया नहीं रखती। मिसाल तौर पे वजूद, मिसाल के तौर पे तसव्वुर आना, मिसाल तौर पे ज़माना, मिसाल तौर पे मैटर वग़ैरह, तो यानी प्राइम जो मैटर, तो अक्ल के पास कोई रास्ता नहीं है कि इन मुसल्लमात को वो इल्म बनाने के
बनाने की कामयाब कोशिश कर सके, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत हाल में जो खुदा का आइडिया है, खुदा के का आइडिया रैशनलाइज होने का, उसी तरह अकली और इल्मी हक रखता है जिस तरह मिसाल के तौर पे वजूद का आइडिया है, ठीक है ना। तो अब इसके पैरेलल दूसरी रिवायत ये है कि अक्ल इरादे और ज़रूरत और कुव्वत के ताबे है। यूँ कहने के अक्ल नज़रिए के ताबे है, ऐसा नज़रिया जो ख़ुद को कुव्वत बना चुका हो। नज़रिए की मंजिल होती है पावर बन जाना, क्योंकि नज़रिया बाइंडिंग होता है ना। तो बाइंडिंग डिस्कोर्स पावर की कुमक के बग़ैर या पावर ख़ुद पावर बने बग़ैर अपना बाइंडिंग होना वजूद में नहीं ला सकता। तो फिर बाज़ फ़ैसले होते हैं, बाज़ इंसानी ख्वाहिशात में तगैयुरात आते हैं, इंसानी ज़रूरियात में तब्दीलियां आती हैं, और एम्पिरिकल सतह पर एक मतलब एक ऐसा अमल शुरू हो जाता है जहां आदमी अपने और दुनिया के ताल्लुक में पुराने असालीब या उसूल या तसव्वुरात को तर्क करता है, क्योंकि वो उसके मंसूबों, उसकी ज़रूरतों या उसके बास तसव्वुरात की राह में रुकावट बनते हैं। तो वो दुनिया की एक तारीफ़ मुतय्यन करता है, ख़ुद अपनी एक तारीफ़ फ़िक्स करता है या एक नई तारीफ़ से अपने आप को गुजारता है, यानी आदमी और दुनिया को रीएंटिफाई करता है, रीएंटिफिकेशन के अमल से गुजारता है। ये सब कुछ किसी अकली तकाजे पे नहीं हो रहा होता, ये सब कुछ ताकत या ज़रूरत या ख्वाहिश के मुतालबे या ज़ोर पे हो रहा होता है। तो इंसान जिन तब्दीलियों के आगे बेबस हो जाता है, यानी इंसान के लिए उसके मफादात का एक माहौल है जिसका कुछ हिस्सा वो ख़ुद से बनाता है, कुछ हिस्सा उस पर जबर की तरह आयद हो जाता है। तो अगर इंसानी मफादात का माहौल बदल जाए तो फिर अक्ल अपने उन मुसल्लमात से पीछा छोड़ाती है, अपने ताअक्कुल के बुनियादी मादे को ऐसे आइडियाज से लाताल्लुक़ रखना करने की काविश करती है जो आइडियाज अपनी तस्लीम शुदा हालत में और अपनी एक प्रोसेस ऑफ एक्चुअलाइजेशन में वो उसके फौरी मकासद और मफादात से मुतसादिम हो। क्योंकि उन मफादात यहाँ अखबारी मानी में ना लिया जाए, यहाँ ज़रा सा बड़े मानी में, क्योंकि दीन भी मफाद पूरा करता है, मतलब मफाद को इस तरह लिया जाए। जो आइडिया अपनी जुज़वी इतलाकी हालत में भी, या यूँ कह लें कि जो बाइंडिंग तसव्वुर अपनी इतलाकी हालत में मेरे मौजूदा मफादात की तकमील में रुकावट बनता है, और उसको अक्ल अपने खाने तस्लीम से ख़ारिज करती रहती है। इस तरह की कई मिसालें, या ख़ारिज करने की कोशिश करती है, क्योंकि अक्ल पाबंद है इरादे की और उस ज़रूरत की जिसकी पुश्त पनाही एक कुव्वत कर रही हो। वो कुव्वत चाहे तहज़ीबी हो, चाहे मुआशी हो, चाहे इल्मी हो, चाहे ज़ौकी हो, जो भी हो, मतलब ये कि वो उसमें उस वो एक जैसे आप समझ लें कि एक नई इज्तिमाइयत की तश्कील करती है,
इज्तिमाईयत की तश्कील के अनासिर में तब्दीली नज़रियात से कम कुव्वत से ज़्यादा पैदा होती है, क्योंकि कुव्वत गोया ज़हन को ताबे है अपने मकासद के हुसूल के लिए। तो इस पे चाहें तो कुछ लिटरेचर पढ़ लें। तो जिस सूरत हाल में हम हैं, इसमें हम इल्म को पाबंद बना रहे हैं कि वो हमारे मफादात से मुनासिबत रखने वाला आइडिया क्रिएट करे। यानी हम मालूम को मुतायन करके, मालूम को फिक्स करके अब इल्म की तमाम सरगर्मियों की इजाज़त दे रहे हैं, या इल्म को रीडिफाइन कर रहे हैं। यानी मालूम पहले है और इल्म की फेलियत और उसकी तारीफ़ और उसकी डेफिनेशन और उसके हुदूद बाद में है। और ये हमेशा होता है, ये आज का नहीं, मालूम हमेशा पहले होता है और उस मालूम की रोशनी में तसव्वुर इल्म पैदा होता है। तो जब तक मालूम क्लासिकल तहज़ीबों में मेटाफिज़िकल था, अब ये मज़हबी मानी में चाहे ले लें चाहे फ़लसफियाना मफहूम में ले लें, कि जब तक इंसान अपनी कुल्लियत के साथ मालूम की मेटाफिज़िकलिटी पर मुत्तफिक था, उस वक्त तक मेटाफिज़िक्स की बुनियाद पर इल्म डिफ़ाइन होता था। लेकिन जब एम्पिरिसिज्म का राज हो गया, एम्पिरिसिज्म का गलबा हो गया, और एम्पिरिसिज्म इंसान की मजमूई ख्वाहिशात और मफादात को पूरा करने में ज़्यादा मुआविन साबित हो गया, तो फिर अब मालूम एम्पिरिकल है, मेटाफिज़िकल नहीं रहा। अब इल्म की तारीफ़ भी एम्पिरिसिज्म के हवाले से होगी, यानी कि नॉन एम्पिरिकल मालूम अब गोया इल्म के दायरे से ख़ारिज हो चुका है। वाज़े है ना? तो इस बुनियादी पैराडाइम शिफ्ट में जिन बाइंडिंग आइडियाज से, जिनको अक्ल अपने मरकज़ी मेलान और रग़बत और तस्लीम के साथ कबूल कर चुकी होती है, उनमें से ऐसे आइडियाज़ को ख़ारिज किया जाता है जो इस एम्पिरिकल प्रोजेक्ट से मुनासिबत न रखते हों, जो इस एम्पिरिकल मालूम पे रुकने को गवारा न करते हों, और इस पूरे एम्पिरिसिज्म के दायरे में पैदा शुदा मफादात से टकराव रखते हों। ठीक है ना? तो उन आइडियाज़ में जिनसे अक्ल अपने माहौल की तब्दीली की वजह से पीछा छोड़ाना चाहती है, उनमें एक आइडिया ऑफ गॉड है। तो जिस पे जो मैं भी अर्ज़ कर रहा था, मैंने उनसे अर्ज़ किया कि रैशनलाइजेशन एक फ्रॉड है, क्योंकि ये हमेशा इरादी होता है। ये मतलब हकीकत और अक्ल का कोई, हकीकत और अक्ल का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि अक्ल हकीकत को मानने या ना मानने का फ़ैसला करने की लियाकत रखती हो, बिल्कुल नहीं। हकीकत को मानने का अमल एक वजूदी शऊर के साथ होता है, और वो वजूदी शऊर अगर ताकत या पूरे ह्यूमन पर्सपेक्टिव पर हावी हो तो अक्ल उस वजूदी शऊर को सर्व करती है। यानी मेटाफिज़िक्स को फ़र्ज़ किया अपना मेन पर्सपेक्टिव बना लेती है, फिर कभी एम्पिरिकल पर्सपेक्टिव को अपना मेजर सोल पर्सपेक्टिव बना लेती है। तो इस बात की अक्लन कोई अहमियत नहीं है कि मौजूदा ज़माने की नफ्सियात, मौजूदा अहद का फ़लसफ़ा, मौजूदा अहद की साइंसेस, नेचुरल साइंसेस, ये खुदा के तसव्वुर की तायीद करती हैं या नहीं।
क्योंकि हम इनके तायीद ना करने के रुझान को डिफाइन करने की अक्ली बुनियाद रखते हैं कि क्योंकि खुदा का बाइंडिंग आइडिया इन सब के अपने अपने प्रोजेक्ट से, इन सब के अपने अपने मकासद व मफादात से मुतसादिम है। तो लिहाजा ये कि ये एक इल्म का, इल्मियत का, तअक्कुल का एक तौक है जो इंसानी शऊर को पहना रही हैं, ताकि कोई आइडिया अक्ल की एक्टिव पोजीशन के लिए बाइंडिंग ना बने। वाज़े है ना? तो पहली बात वाज़े तौर पे मैं आज का इसको हम इंशाल्लाह इल्मी अंदाज से साबित करने की कोशिश भी करेंगे कि मौजूदा ज़माने में, यानी मौजूदा ज़माने से हमारी मुराद ये है कि जहाँ इल्म तजरबी, हिस्सी, मुशाहदाती या जहन की आदत तजरीद को पूरा करने के लिए रियाजियाती हो गया है, वहाँ रैशनलाइजेशन ऑफ गॉड का मौजू ये एक फ्रॉड है। क्योंकि यहाँ अक्ल को इस बात की स्पेस ही नहीं दी जा रही कि वो अपने आइडिया ऑफ गॉड को उसकी ओरिजिनल लॉजिक के साथ मानने का कोई ऐसा रास्ता पाले जिस रास्ते की मौजूदा सूरत हाल में कोई सिग्निफिकेंस और इफ़ेक्टिविटी हो। वाज़े है ना? तो इसमें बिल्कुल इस रोब में नहीं आना चाहिए कि मौजूदा उलूम क्या कहें। हर ज़माने में मौजूदा उलूम अब मतरूक उलूम हैं, तो मुस्तकबिल में ये उलूम भी मतरूक होंगे। तो नज़रियात या बाइंडिंग आइडियाज़ का ताल्लुक ताक़ुल से ज़्यादा कुव्वत से होता है। वो कुव्वत तहज़ीबी होती है, वो कुव्वत सियासी होती है, वो कुव्वत इल्मी होती है, वग़ैरह अख़लाक़ी होती है। मतलब कुव्वत का मतलब ये है कि जो अपने आइडिया को ऐसा इस्टेब्लिश कर दे एक्चुअल दुनिया में कि उसे मानना है या तो रग़बत से या कराहत से, मानना बहरहाल है। ठीक, तो मानने की अकदार जब बदल जाएं तो अक्ल हमेशा बदली हुई अकदार की कनीज़ होती है। अक्ल अकदार को बदलती नहीं है, अकदार को सिर्फ़ कुव्वत से बदला जाता है। अक्ल कुव्वत की खादिमा के तौर पर एग्जिस्टिंग यानी गिवन वैल्यू सिस्टम की पाबंदी करती है। तो यहाँ पहला सवाल ये उठाना चाहिए कि जैसे क्लासिकल उलूम में अक्ल की छः किस्में की जाती थी। ये मतलब अरस्तातालीसी रिवायत, यानी अरस्तु की रिवायत में रीज़न और इंटेलेक्ट में क्या फ़र्क है। मौलाना रूम ने फरमाया ना कि अक्ल जुज़ई अक्ल रा बदनाम करद, कि जो रीज़न ने इंटेलेक्ट को बदनाम कर दिया। तो रीज़न और इंटेलेक्ट नहीं पर रीज़न जहन और सूरत के ताल्लुक, यानी रीज़न आलम सूरत में काम करती है और इंटेलेक्ट आलम हकायक की तहकीक करती है। इंटेलेक्ट पैसिव होती है, रीज़न एक्टिव होती है। इंटेलेक्ट हकायक को कबूल करने की काबिलियत है और रीज़न सूरत पर तसर्रुफ करने की कुव्वत है। वाज़े है ना? या दो अक्ल के दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं ना, फॉर्म और रियलिटी।
फॉर्म या फलसफे में कहें तो सब्सटेंस या एसेंस, यही दो मौजू हैं ना अक्ल के, तीसरा तो कोई मौजू नहीं है। तो एसेंस या रियलिटी या सब्सटेंस से ताल्लुक़ पैसिविटी पर मबनी है, और फॉर्म से नस्बत अक्ल के फ़ाल होने का तकाजा करती है, ठीक है ना। तो ये रीज़न और इंटेलेक्ट में फ़र्क है। जैसे ये कि मौलाना ही का एक शेर है कि शश जेहत हद दस्त, क्या अक्ल गोयद शश जेहत हद दस्तो बैरू राह नीस्त। ये दूसरा, ये तो कई मरतबा ये शेर पढ़ा गया है ना, अक्ल गोयद राह नीस्त। इश्क गोयद राह हस्तो रफ्ता अम मन बारहा, ये जो अक्ल है ये कौन सी है जो कह रही है कि जो छह डायमेंशंस हैं ये बस हद हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, इनसे बाहर ना शऊर है ना वजूद है, ठीक है ना। ये फतवा लगाने वाली अक्ल कौन है? रीज़न है। तो इश्क क्या है? इश्क यहाँ इंटेलेक्ट का नुमाइंदा है कि इश्क गोयद राह हस्तो रफ्ता अम मन बारहा, ठीक है ना। तो इसी वजह से इंटेलेक्ट और पैशन जुड़वा बच्चों की तरह हैं, रीज़न और पैशन का कोई ताल्लुक नहीं है। इंटेलेक्ट और पैशन जुड़वा बच्चे हैं, इंटेलेक्ट बग़ैर पैशन के इंसानी शऊर में कोई जगह नहीं रखती। ये शेर कितना खूबसूरत है, ये शेर को रोज़ाना दो चार मरतबा ज़रा खूब जोश से पढ़ा करें तो शख्सियत में बुलंदी पैदा हो जाएगी। मतलब गारंटीड कि अक्ल कहती है कि ये छह जिहात आखिरी हद वजूदो शऊर हैं और इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो और लेकिन इश्क आके पूरे एतमाद से कहता है कि तुम्हारा तो ये तसव्वुर है, अक्ल से कहता है कि तुम्हारा तो ये तसव्वुर है कि शश जिहात हद आखिर हैं, मेरा ये तजर्बा है कि ये हद आखिर नहीं है, मैं इनको फलांग के बारहा गया हूँ और वापस आया हूँ। तो इसी वजह से ईमान की साख्त अल्लाह तबारक व ताला ने पैशन की ज़्यादा रखी है, तसव्वुर की कम रखी है, कमिटमेंट की ज़्यादा रखी है, नॉलेज की कम रखी है। यानी ईमान के बारे में हम सब, चाहे वो कितने आकिल हों और कितने बेअक्ल हों, सब मुत्तफिक हैं कि ईमान का कंटेंट अक्ल की इल्म की तहवील में नहीं आ सकता। मतलब ये बात भी ईमान ही का हिस्सा है। ईमान बिलग़ैब यही कहता है ना कि अक्ल की तहवील में नहीं आ सकता, यानी अक्ल उसका इहाता नहीं कर सकती। तो जिस चीज़ का अक्ल इहाता नहीं कर सकती, अल्लाह ने उसे अक्ल में ठूंसने के बजाय उससे हमारा ताल्लुक ज़हनी से ज़्यादा वजूदी बना दिया, और ईमान की शऊर में प्रेजेंस को इल्मी से ज़्यादा ऐनी और पैशन वाली बना दिया।
तो ईमान नॉलेज फॉर्म नहीं है, ईमान एक हमा वक्त चलती हुई वेव ऑफ पैशन है जो अक्ल को भी सेराब और शादाब रखती है। शेर से मतलब बजाय लगता है कि मतलब बेरून का मतलब रीजन के हम भी बेरून का मतलब आइडिया एग्जिस्ट करता है लेकिन उधर रसाई से इनकार जैसे ये जैसे है नहीं, ये यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये है कि अक्ल ने सुना इश्क को कि बाहर भी कुछ है, तो फिर उसने तर्दीद की कि नहीं बाहर कुछ नहीं है। यानी ख़ुद बाहर ये उस रीज़न का आइडिया नहीं है जो इसका इनकार कर रही है, क्योंकि अक्ल अपने अंदर पैदा होने वाले आइडिया का इनकार तहक्कुम से नहीं करती, कतईयत से नहीं करती। तो अगर ये आइडिया होता, हाँ ये पूरा अक्ल का आइडिया है कि शश जहत हद दस्त, ये है अक्ल का आइडिया, क्योंकि इसका अक्ल को एक्सपीरियंस नहीं है, ये उसका आइडिया ही है ना, उस हद तक वो पहुंची थोड़ी है। तो खैर क्या कह रहे थे, हाँ तो इस बात से ज़्यादा मुतासिर नहीं होना चाहिए कि किसी ज़माने में पैदा होने वाले उलूम अपने उसूले मौजूआ के एतबार से वो तसव्वुर खुदा से मुगायरत पैदा कर चुके हैं, ये कोई अकली दलील नहीं है। यानी ये अकली दलील है ही नहीं कि मौजूदा ज़माने में अक्ल के लिए तसव्वुर खुदा अजनबी हो चुका है। मतलब ये दलील अकली नहीं है। ये हम कहेंगे कि जब हम कहेंगे मौजूदा ज़माने की सूरत हाल जब बयान करेंगे तो एक वाक़े के तौर पर तो ये बयान किया जा सकता है, लेकिन खुदा का इनकार कर देने की दलील नहीं बनाया जा सकता इसको, ठीक है ना। तो क्योंकि मौजूदा ज़माना इस पूरे एक सेंटर बना चुका है, एक एपिस्टीम बना चुका है कि महसूसात और महसूसात ही की बुनियाद पर बनने वाले तसव्वुरात से आगे इल्म का वजूद नहीं है, अक्ल का किरदार नहीं है। ये मौजूदा जहन इस दावे पे खड़ा हुआ है ना, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि अगर अक्ल का किरदार तजरबियात से बाहर नहीं है तो अक्ल में तजरीद और तजरबियात से बाहर तसव्वुर साजी की जो रौ चल रही है उसको क्या नाम देंगे। यानी अक्ल अपनी फितरत के ख़िलाफ़ कर रही है इस तरह की तसव्वुर साजी का अमल, ठीक। और फिर दूसरा ये है कि जब जिस चीज़ को आप हिस्सी कहते हैं, यानी आप कहते हैं महसूस कहते हैं उस मालूम को जिसकी शहादत हवास दें, ठीक है ना, वो महसूस है यानी हिस से फराहम होने वाला इल्म। तो हम कहें कि ये दीवार महसूस है, तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर हम इसका तज़िया करके तनकीद करें तो हम ये कहेंगे कि ये दीवार महसूस नहीं है, माकूल है, क्योंकि हवास ने इसे नाम नहीं दिया, नाम इसे अक्ल ने दिया है। तो दीवार के इल्म में सबसे बड़ी जो फाइनल टच है वो दीवार का नाम और इसका मसरफ है, तो वो हवास ने नहीं ना नाम दिया है ना हवास ने इसका मसरफ निकाला है, तो इसकी पूरी जो कॉन्शस फॉर्म है वो अक्ल ने बनाई है, तो इसको महसूस ना कहो, इसे माकूल कहो आप, क्योंकि अक्ल
हवास से अपनी ट्रांसेंडेंस को बरकरार रखती है, अक्ल की का कोई तजर्बी हिस्सी मुशाहदाती इल्म ऐसा नहीं है जो हवास की बस जैसे हवास का अक्स हो। अक्ल उस पर हुक्म लगाती है, उसे नाम देती है, उसे डिफाइन करती है, और वो हुक्म और वो डेफिनेशन ऑब्जेक्ट पर जायद है, ऑब्जेक्ट से कशीद नहीं की गई है। हिस्सी इल्म तो वो होगा ना कि दीवार ने बताया कि मैं दीवार हूँ, मेरे कान ने सुन लिया, मेरी अक्ल ने महफूज कर लिया, अब कहेंगे कि ये हिस्सी इल्म है। आप समझ रहे हैं? तो ये एक अजीब तरह की फरेबकारी है। और फिर एम्पिरिसिज्म, जैसे एम्पिरिसिज्म अक्ल का लंग है। लंग समझते हैं ना, अक्ल का लंगड़ा हो जाना, ये अक्ल का अंधापन है। इसके नतीजे में खुद अक्ल की भी तौहीन होती है और ऑब्जेक्ट की भी तहकीर होती है कि हम उसको उसके सिलसिले नसब से निकाल देते हैं, हम उससे उसे बेहकीकत कर देते हैं। एम्पिरिकल इल्म की इंतहा क्या है? अगर एम्पिरिसिज्म को उसके ट्रू मानी में अप्लाई किया जाए तो एम्पिरिसिज्म की हकीकत ये है कि फॉर्म ही फॉर्म है और फॉर्म बेहकीकत है। तो ये गोया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को जैसे सुकेर देता है ये एम्पिरिसिज्म। तो वाज़े, खैर हम ये कह रहे हैं कि किसी ज़माने में पैदा हो जाने वाली किसी पहले से मुसल्लम आइडिया से अक्ल की मुगायरत, उसे दलील बनाना अक्लन जायज़ नहीं है, क्योंकि अक्ल के हकीकत के मौजूद होने के बारे में अक्ल का कोई एक वर्जन ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रहा है। आपका क्या ख्याल है, जब टॉलेमी कह रहा होगा कि ज़मीन साकिन है और चपटी है एक मैदान की तरह, तो उस ज़माने में ज़मीन को चपटा और साकिन कहना मुताबिक़ अक्ल था या नहीं था? यानी ज़मीन को टॉलेमी का साकिन कहना ये एक वैलिड इल्म था या नहीं था? अफलातून कह रहा था कि एक हायरार्की ऑफ ट्रांसेंडेंट फॉर्म्स है, इममटेरियल फॉर्म्स है, तो उनकी एक लोकेशन है, तो क्या उस लोकेल ऑफ फॉर्म्स की तहकीक जो अफलातून कर रहा था उस वो तहकीक ताकुल थी या नहीं थी, और उस तहकीक से बरामद होने वाले नतायज इल्म कहलाना क्वालिफाई करते थे या नहीं करते थे? ठीक है ना? तो इस पे हम कहते हैं कि ज़हन का सबसे बाइंडिंग आइडिया वो आइडिया ऑफ क्रिएटर है। यानी ज़हन की आदत कॉजेशन है। यानी इल्म किसे कहते हैं? कॉजेशन के अमल का दुरुस्त हो जाना या दुरुस्त मान लेना, ये इल्म। यानी कॉजेशन ज़हन में आ जाए तो ये इल्म है। ऑब्जेक्ट्स में कॉजेशन और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कॉजेशन, यानी कि हर कॉन्शियस फॉर्म कॉज एंड इफ़ेक्ट के उसूल पर आ जाए तो उसका जो नतीजा ज़हन पे मुरतब होता है उसे इल्म कहते हैं। तो ज़हन कॉजेशन के बग़ैर किसी इंटरनल या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रखता, ठीक है ना? तो इस बात को आज भी माना जाता है कि ज़हन की खिलकत है चीज़ों में कॉजेशन दरियाफ्त करना या उन पर नाफिस करना। तो इस आदत, इस फितरत, इस खिलकत के नतीजे में या इसकी बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि कॉजेशन की ये आदत उस वक्त तक पढ़ ही नहीं सकती जब तक के आइडिया ऑफ गॉड मदर ऑफ ऑल आइडियाज ना हो। आप समझ रहे हैं ना कि गॉड कौन है? जहाँ कॉजेशन जो है वो अपने वजूद का जवाब पाती है,
वाज़े है ये बात। तो खैर अगली नशस्त में इंशाल्लाह इस पे तफसील से बात करेंगे, लेकिन ये मैं फिर चौथी पांचवीं बार कह रहा हूँ कि मौजूदा दौर इल्मी एतबार से तारीख़ इंसानी का पस्त तरीन दौर है। तो और ये मतलब ज़हन होने से, ज़हन को बाईपास करके इल्म की तारीफ़ कर रहा है, यानी ये ज़हन को नज़रअंदाज करके इल्म को डिफ़ाइन कर रहा है। तो ये गोया बदतरीन पस्ती है कि इसमें ज़हन माऊफ है और इल्म जो हैं वो हवादिस की तरह हैं, वाक़ियात की तरह हैं, या साइंस के पैदा की ऐलान करदा इम्कानात की तरह हैं। कॉन्सेप्ट मैटर उसको आप एम्पिरिकली नहीं दिखा सकते, ठीक है, दुरुस्त है, ये बात की रैशनल फेलियर है, लेकिन हम ये दावा करते हैं कि जितना भी कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर है उस सबकी इब्तदा किसी न किसी स्पेसिफिक असल मटीरियल से हुई है। हाँ यही कहते हैं, यही कहते हैं, तो वही हम दिखा रहे हैं ना कि एक तो उनके इल्म की तश्कील के मराहिल हैं, वो रिवायती मराहिल इल्म से मुख्तलिफ नहीं हैं, मतलब उसी उससे मिलते जुलते हैं कह सकते हैं, लेकिन उस इल्म के हुदूद और उस इल्म के नताएज, उस इल्म से बनने वाले रैशनल जजमेंट्स, उसमें जो वो ज़िद करते हैं वो ख़ुद उनके ऑर्डर ऑफ नॉलेज से मेल नहीं खाती। हम ये कह रहे हैं कि अगर एक नॉन एम्पिरिकल आइडिया वो तमाम एम्पिरिकल उलूम की मताए वाहिद है, तो आप नॉन एम्पिरिकल आइडिया को वज़न क्यों नहीं दे रहे, आप किसी और नॉन एम्पिरिकल आइडिया के लिए कबूलियत से पहले ही कदम पे मुनकर क्यों हैं? ये हमारा मतलब हमारे ख्याल में ये उनके मौक़िफ़ में एक बुनियादी अंदरूनी तज़ाद है। ये जो स्ट्रेस है मेटाफिजिक्स वाला कि गॉड के कंसेप्ट ऊपर अकल के साथ साथ के अकल तस्लीम उसको भी कहती है, तो बुनियादी ये वो कहते हैं अकल तस्लीम उनके नज़दीक नहीं है, तो मोटी सी बात करते हैं। जी सवाल ये है कि इस वक्त जो हमारी जो पोजीशन है सोसाइटी की, मैं एज ए होल बात कर रहा हूँ, अगर उस में तरक्की के लिए या डेवलपमेंट के लिए या बेटरमेंट के लिए, मैं मतलब उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, ये आप तस्लीम करते हैं, नहीं क्योंकि ये कि उसके बगैर भी सब कुछ हो रहा है और होगा, तो फिर बात ख़त्म है। नहीं बात ख़त्म तो ये ज़रा ख़त्म करने में आपने जल्दी कर दी। हमारे ये है कि भाई हाँ जी क्यामत आएगी और उसके बाद सारे हालात होंगे उनसे बचने, नहीं बिलाशुबा नहीं है, लेकिन आप बात को ख़त्म करने में जल्दी ना कीजिए कि ये बात या मसला मुक नहीं गया है। ये है कि कायनात के मैकेनिक्स को जानने के लिए किसी ईमान की ज़रूरत नहीं है, इन कायनात का के क्लिनिकल मैकेनिक्स को जानने के लिए कायनात के साइंसी तहकीकात में किसी ईमान की ज़रूरत नहीं है, वो अब साइंस ख़ुद अपने ज़ोर से बढ़ जाती है, लेकिन इंसान को डिफ़ाइन करने के अमल में खुदा के आइडिया की अकली ज़रूरत भी है। खुदा की अखलाकी, इंसान एक अखलाकी वजूद है, इसकी तरक्की और इसके ज़वाल का मुताला करते वक्त उसके अखलाकी वजूद होने को पेश नज़र रखना चाहिए, उसकी फलाह का कोई तसव्वुर उसे अखलाकी वजूद से हटा कर नहीं किया जाना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है, फिर इसकी तफसील में आखिरत क़यामत और ये सब आती है, लेकिन हमारा बुनियादी जो आइडिया ऑफ मैन है वो ये कि इंसान एक अखलाकी वजूद है,
क्योंकि ये मुआशरती, जैसे अरस्तु ने कहा था ना कि मुआशरती हैवान है, तो क्योंकि इंसान अपनी इज्तिमाईयत को बाज़ नज़रियात की रोशनी में चलाने का आदि है, मजबूर है, इसकी रिवायत रखता है, तो इसलिए ये अख़लाक़ी वजूद है, ये सेंस ऑफ एसोसिएशन रखता है और उसे अप्लाई करता है। तो इसके अख़लाक़ी वजूद होने का एतबार खुदा के बग़ैर कायम नहीं हो सकता, ये हमारा मुकदमा है, यानी मुकदमे से मुराद ये कि हमारी रिवायत का ये मुकदमा है। हम कहते हैं तुम्हारा तसव्वुर इंसान दूसरा है, तुमने उस तसव्वुर इंसान के मुताबिक उसकी राहत, उसकी तरक्की और उसकी उसका सबका सामान कर दिया है, लेकिन हमारे तसव्वुर इंसान में तुम्हारी तरक्की का इस बात कर लेने के बाद भी एक बहुत भयानक खला बाकी रहता है, ये हमारा मौका है। एक बीच मना से बात करेंगे इसके ऊपर, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इसको। नहीं आप भी कर सकते हैं इतमान, पता नहीं मुझे टाइमिंग का पता नहीं आप लोगों का टाइमिंग। हाँ नहीं, वो उसमें जो है ना, उसमें वही बात, उस पर गौर फरमाइएगा, फिर जब चाहे कर लीजिएगा बात, कि इंसान के अखलाकी वजूद होने, इंसान के अब्दुल्ला होने से हम दस्तबरदार नहीं हो सकते किसी भी डिस्कोर्स ऑफ नॉलेज में। इल्म इम्कानी ख़ता के बग़ैर नहीं हो सकता, तो ईमान हमारे इल्म के इस बुनियादी नक्श से ट्रांसेंड करके हमारे शऊर को एक नई हालत फराहम करता है, एक नई सतह फराहम करता है। तो ईमान शऊर की जिस सतह पर मरकज़ी हैसियत रखता है, वो सतह कोई शऊर की दीगर फैकल्टीज़ से ला ताल्लुक़ नहीं है जो हमने रख रखी है, वो दीगर फैकल्टीज़ से मुताल्लिक है और उनसे उनके ताल्लुक़ से कमज़ोर या मजबूत होती रहती है। मतलब ईमान क्या मतलब है कि रट लेने की बात है, सरेंडर करने का मतलब ये है कि मैंने उसको रट लिया, उसके अल्फाज को रट लिया और बस बैठ गया, बिल्कुल ये मतलब नहीं। ईमान आला दर्जे का शऊर फराहम करता है खालिक के बारे में और मखलूक के बारे में, और ईमान वो पर्सपेक्टिव फराहम करता है जिसकी पाबंदी करते हुए हम इम्काने ख़ता से भरे हुए उलूम पैदा कर सकते हैं। ईमान हमारे इल्म में सेहत का ज़ामिन नहीं है, ईमान हमारे इल्म के ओरिजिन और पर्पस में सेहत की ज़मानत देता है। ये बाइंडिंग तसव्वुर या इरादा जो है ये इंटेलेक्ट का भी होता है, इंटेलेक्ट में सिचुएटेड है हम। तो बाइंडिंग, एक जो बाइंडिंग होलनेस के बग़ैर इंसानी अक्ल काम ही नहीं कर सकती, यानी हुदूद के बग़ैर इल्म की तश्कील का कोई अमल नहीं हो सकता, और नतीजे के पेशगी तसव्वुर के बग़ैर इल्म की तकमील नामुमकिन है। तो ये लोग भी, इनके पास भी ओरिजिन ऑफ नॉलेज भी है, एंड ऑफ नॉलेज भी है। हम कहते हैं नहीं, तुम्हारे एक्ट ऑफ नॉलेज से हमें नहीं इख्तिलाफ, तुम्हारे ओरिजिन और एंड ऑफ नॉलेज से हमें इख्तिलाफ, कि अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कायनात में का साइंसी, बिल्कुल ठोस साइंसी तज़िया करूं, इस पेशगी यानी जन के साथ, इस पेशगी तयक्कुन के साथ कि ये अल्लाह की निशानियों का अंबार है, कायनात के बारे में मेरा ग़लत इल्म भी अल्लाह की हुजूरी का एक हाल फराहम करता है, यानी ग़लत इल्म भी, मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा साइंस का
कि ये कायनात खुदा की मखलूक है और इसका हर जुज़ अल्लाह की तरफ इशारा करने वाली निशानी के तौर पे मौजूद है। तो मैं ये थोड़ी कहूँगा कि पानी का जो तुमने वो बताया है कि H2O ये गलत हो गया, लेकिन H2O को मान कर फिर मैं कहूँ, मतलब मानने की जो एक मानने का जो दरियाफ्त करने की जो एक निशात होगी मेरे जहन में, एक कामयाबी का एहसास जो होगा, उस एहसास की बुनियाद एक लिल्लाहियत पर होगी। ये है ओरिजिन और पर्पस ऑफ नॉलेज। तो इससे बाकी बीच के जो फंक्शनिंग है या नतायज है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अब आप देखें कि वो डार्विन का नज़रिया इर्तिका, जो कायनात के मखलूक होने पर जिसने सबसे कारी ज़र्ब लगाई है, ठीक है, तो डार्विन का नज़रिया इर्तिका जो है, जो गो के तमाम साइंसी थ्योरीज़ के मुकाबले में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं, बहुत बड़े बड़े रखने हैं, लेकिन उन रखनों की मौजूदगी में इसको एक साइंसी अकीदे के तौर पर मालूम कर लिया गया है, उसके क्लिनिकल उसे क्लिनिकल टेस्ट से गुजारे बगैर। तो अब ये इंटेंशनल है ना, आपने मगरिब ने कितने 50 साल तकरीबन या इससे ज़्यादा आपने थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी को दबाए रखा, अब वो ख़ुद से उबल के आई वो जो क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह में, लेकिन थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी यानी हाइजनबर्ग के गला घूटने का अमल उसी मगरिब में हो रहा था जो मगरिब साइंसी तरक्की का चैम्पियन बना हुआ है। तो बहुत सारे सियासी मफादात होते हैं, बहुत सारे तसव्वुरात को सर्व करने की नीयतें और इरादे होते हैं, वो अपने बाहर के तसव्वुरात को गलत होने की बुनियाद पर रद्द नहीं करते, बल्कि उनके मुफीदे मतलब ना होने की वजह से उन्हें रद्द कर दिया जाता है। वो अस्करी साहब ने लिखा ना अपनी किताब में कि एक साहब ने तसव्वुर नज़रिया इर्तिका पे कुछ लिखा वहीं इंग्लैंड या अमेरिका में, और पब्लिशर को दे दिया, कोई प्रोफेसर थे साइंस के। तो जब वो किताब छपने जा रही थी, करीब थी मतलब, तो उन्हें याद आया कि अरे रे वो बात जो मैंने कही है वो डार्विन की नहीं, स्पेंसर की है, स्पेंसर का भी नज़रिया इर्तिका है। तो वो दौड़े दौड़े पब्लिशर के पास पहुँचे, कहा रे भाई वो गलती हो गई, वो मशहूर है डार्विन के नाम से, लेकिन ये कि असल में वो स्पेंसर की बात है। तो पब्लिशर ने उनसे कहा इससे बिला वजह जहन में एक बोझ, जहन पर एक बोझ पड़ेगा लोगों के, तो जो मशहूर है उसी को चलना चाहिए। सर, ईमान हमें इल्म का मेयार या बुनियाद फराहम करता है, ईमान का मेयार क्या है? वो अकली होगा या जज्बाती होगा, वजूदी होगा, शूरी होगा, या मेयार से आज़ाद है? ज़्यादा तो सेहत या अदम सेहत का फैसला है। नहीं, ईमान में सेहत और अदम सेहत मौजू नहीं है, ईमान में मौजू है होना या ना होना। सेहत और अदम सेहत इल्म में है, ईमान में होना या ना होना है। अपनी अपनी हालतें हो सकती हैं, या एक ही होना है, वो होना मुख्तलिफ होना हो सकता है। नहीं, मतलब ईमान के जो कॉन्टेंट्स हैं ना, वो जानने से ज़्यादा होने की तस्दीकात हैं, वो जानने के नताइज नहीं हैं, वो होने के की तस्दीकात हैं। उन तस्दीक के उस अमल में अक्ल को शामिल ना किया जा सके तो ये एक नक्स की बात होगी। अगर अक्ल उसकी कबूलियत के अमल से लाताल्लुक़ खड़ी रहे
तो फिर गोया ईमान को कबूल करने का पूरा अमल और उसका नतीजा वो बेसलेस है। इंसान का कोई भी ईमानी मौक़िफ़ हो या इल्मी मौक़िफ़ हो, उसमें अक्ल की शमूलियत लाजिम है, मतलब उसमें अक्ल की तस्कीन लाजिम है। गायब दिमागी का नाम थोड़ी है ईमान। सिर्फ ये कि फिर अब उसमें हम बताएंगे कि ईमान और अक्ल के ताल्लुक में अक्ल के हुदूद क्या हैं, अक्ल की वर्किंग क्या है, अक्ल की डेफिनेशन क्या है, और वो डेफिनेशन हम ईमान की रोशनी में तय नहीं कर रहे, बल्कि वो डेफिनेशन अक्ल का मुताला करने वाले मेयारी उलूम की रोशनी में बता रहे हैं। वाज़े ना, मतलब हम इसको नहीं कह रहे कि क़ुरान ने अक्ल को ये कहा है लिहाजा अक्ल को इस तरह होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अक्ल का तज़िया करने, अक्ल का मुताला करने वाले तमाम उलूम अक्ल की इन डेफिनेशंस तक पहुँचे हैं, तो हम फुला डेफिनेशंस के मुताबिक, फुला सेट ऑफ डेफिनेशंस के मुताबिक अक्ल और ईमान के दरमियान ताल्लुक का एक पुल बना सकते हैं, और वो बनाना चाहिए, बना सकते हैं।